अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्लेवर्स नीट अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है, खुश आमदीद है। और आज हम एक नए लेक्चर के साथ में जो कि जिसका टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सेल का चल रहा था, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लेते रहूँगा जो किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर होते हैं। तो इसी तरह से आज का लेक्चर भी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर है। तो अगर आपको भी कोई ऐसा पॉइंट हो या ऐसा टॉपिक हो जिसको एक्सप्लेनेशन आप अभी चाहते हो, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो आपका टॉपिक हो सकता है कि बहुत देर में आए। तो अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी ही चाहते हो तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों की मैसेज पहले से पड़ी हुई है तो उसके बाद ही उसका नंबर आएगा, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को मैसेज कर दें कि अगला लेक्चर आप किस चीज़ पर चाहते हैं। तो ये आज का लेक्चर रहेगा, इसके बाद से फिर हम सेल में वापस कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर रहेगा वो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रेगुलेशन कहते किसको हैं। रेगुलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ या प्रोसेस या किसी अमल को कंट्रोल करना। और ये तो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में देखते ही होंगे, अगर मेडिकल फील्ड से या बायो के फील्ड से हट के आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है वो चीज़ें को कंट्रोल करती है, पुलिस कानून को कंट्रोल करती है, और इस तरह से शेयर बाज़ार आप देखते हैं, लेकिन शेयर बाज़ार को भी कंट्रोल करने के लिए सेबी है, और हर तरीके की चीज़ के लिए बैंकिंग जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ इदारे होते हैं। तो हर चीज़ को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो वो नुकसानदेही साबित होती है, ये तो दस्तूर है। तो इसीलिए आपका रेस्पिरेशन भी जो है उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ रेगुलेशन होता है कि किसी चीज़ को या किसी एक्टिविटी या किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने का जो अमल होता है उसको रेगुलेशन कहा जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है या एक अमल है, एक एक्टिविटी है, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक कुछ मैकेनिज़्म होता है। वही मैकेनिज़्म जो है उसी को समझना है आपको कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन किस तरह से होता है। अब एक चीज़ ये होती है कि जैसे इसकी ज़रूरत क्या है, कि रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है, रेस्पिरेशन का क्यों एक जैसा नहीं चल सकता है। आप जैसे आप नॉर्मली आप देखते हैं तो 18 से 20 बार आपकी एक मिनट में सांस चलती है, तो क्यों ये लगातार एक ही जैसी चल नहीं सकती है, अगर हर वक्त एक ही तरह से चलते रहे तो क्या बुराई है। तो इसमें मसला ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि जब आप दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होती है, और खपत ज़्यादा होती है तो उसकी फिर ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो आपने देखा ही होगा कि जब आप दौड़ते हैं तो आपकी सांस तेज़ चलने लगती है, तो उसकी वजह यही होती है कि दौड़ने के दौरान ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है, तो बॉडी को ऑक्सीजन की और ज़रूरत होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए कि जब ज़रूरत ज़्यादा हो तो वो रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा दे। तो जब दौड़ते हैं तो आपके रेस्पिरेशन का रेट 18 से बढ़ के कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो ये चीज़ अपने आप तो होगी नहीं, बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए। इसी तरह से जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी चूँकि रेस्ट में होती है एकदम, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है, तो उस वक्त आपका रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो भी कम हो जाता है। और ना सिर्फ रेट की बात होती है इसमें बल्कि डेप्थ की भी बात होती है। जैसे कि आप कभी गहरा सांस लेते हैं और कभी हल्का सा सांस लेते हैं, तो जब गहरा सांस लेते हैं तो भी ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी में आती है, तो या तो रेट बढ़ता है या फिर उसकी डेप्थ बढ़ जाती है, दोनों तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से ही रेस्पिरेशन कम ज़्यादा हो रहा है, और या बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है, ये चीज़ होती है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि सोने में और दौड़ने में काफ़ी फ़र्क है बॉडी की रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन की, तो उसी हिसाब से रेस्पिरेशन जो है वो कम ज़्यादा होता है, और इसी कम ज़्यादा करने वाली चीज़ को जो कहते हैं वो कहते हैं कि रेगुलेशन। तो इसका आगे देखते हैं कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही कि व्हेन यू आर रनिंग यू नीड मोर ऑक्सीजन, एंड हाउ विल गेट मोर ऑक्सीजन बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज एवरी टाइम यू टेक अ ब्रेथ ऑक्सीजन इंटर्स योर बॉडी। यानी कि जैसे आपकी आपको ज़रूरत बढ़ गई ऑक्सीजन की तो आपने क्या किया, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा दिया, क्योंकि जब भी आप एक बार सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में दाखिल होती है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज़्म है। तो इसमें दो मैकेनिज़्म होते हैं जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, एक तो होता है न्यूरल मैकेनिज़्म और दूसरा होता है केमिकल मैकेनिज़्म। न्यूरल मैकेनिज़्म जो होता है आपका वो आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और आपके न्यूरॉन्स वगैरह जो होते हैं ये नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो एक न्यूरल मैकेनिज़्म होता है जो कि मेन मैकेनिज़्म है, और दूसरा है केमिकल मैकेनिज़्म
जिसमें बॉडी केमिकल्स के वो, चलिए आगे देखते हैं उसको, पहले न्यूरल मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं। और न्यूरल मैकेनिज्म भी देखने से पहले आपको ये दिखा देते हैं कि यहाँ पे मेडुला और पॉन्स दो चीज़ आप देख लें तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी आगे, क्योंकि इन चीज़ों का जिक्र बार बार आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है पॉन्स, ठीक है, और ये है मेडुला। ये दो चीज़ आप देख लें, पॉन्स और मेडुला, इसको अपने दिमाग में बैठा लें कि कहाँ पे होता है। ये सर के पिछले हिस्से में होता है और यहीं से जो होता है आपको तकरीबन सारा का सारा रेस्पिरेशन जो होता है यहीं से रेगुलेट होता है। यहीं पे कुछ सेंटर्स होते हैं यहीं पे बसे हुए, और वही सेंटर्स जो होते हैं पूरा रेस्पिरेशन रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए न्यूरल मैकेनिज्म की शुरुआत करते हैं। तो ब्रेन में जो होते हैं तीन सेंटर होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, और ये जो सेंटर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडुला और पॉन्स रीजन में होते हैं। और ये तीन सेंटर का नाम क्या है, पहला तो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में होता है, फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये पॉन्स में होता है, और फिर होता है एपनियोस्टिक सेंटर ये भी पॉन्स में होता है। तो पॉन्स में दो सेंटर हैं और मेडुला में एक सेंटर है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसका क्या फंक्शन है। तो पहले तो ये देख लो कि रिदम का मतलब क्या होता है। रिदम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी मूवमेंट, अ मूवमेंट मार्क्ड बाय द रेगुलेटेड सक्सेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एलिमेंट्स और ऑफ अपोजिट और डिफरेंट कंडीशंस, यानी कोई भी ऐसी हरकत जिसमें दो मुख्तलिफ हरकत एक के बाद एक होती हैं उसको कहते हैं रिदम। जैसे आपका एक बार ज़ोर से किसी चीज़ पर मारोगे, फिर अगली बार धीरे से मारोगे, फिर ज़ोर से मारोगे, फिर धीरे से मारोगे, और जितने दोनों बार हमेशा टाइम एक जैसा लगे तो इसको कहेंगे रिदम। तो अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, अपोजिट एलिमेंट होते हैं, यानी एक ज़ोर से मारा, एक धीरे मारा, एक ऊपर गया एक नीचे गया, ये भी रिदम रहेगी। कोई चीज़ एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो ये रिदम रहेगी। तो रेस्पिरेशन में भी अपोजिट चीज़ें का रिदम होती है, एक तो होती है सांस अंदर खींचना, दूसरा सांस बाहर निकालना, तो ये रिदम बनाता है। दो अपोजिट चीज़ें जब एक सक्सेशन में आती हैं बार बार तो उसको कहते हैं रिदम। तो अब ये रिदम, ये रेस्पिरेटरी रिदम हो गई आपकी, जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होती हैं जो दो अपोजिट कंडीशन। और ये इसी जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला में होता है और रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है, इसकी जो रिदम होती है इसकी रिदम को मेंटेन करता है। यानी कितनी देर में रिदम मेंटेन करने का मतलब क्या है कि सांस आपने खींची उसमें कितना टाइम लगता है, फिर कितना वक्फ़ा होता है, फिर सांस छोड़ते हो, फिर वक्फ़ा होता है कि नहीं होता है, फिर सांस खींचते हो, तो हर बार उतनी ही ड्यूरेशन के साथ में उसको चलाना, ये जो रिदम होती है इसको ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है मेंटेन करता है। अब आ जाते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे, ये पॉन्स में सिचुएटेड होता है जैसे कि आपने देख लिया, और ये जो होता है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपने देख लिया कि उसने नॉर्मल रिदम मेंटेन कर दी, इसकी अपने आपके रेस्पिरेशन की नॉर्मल रिदम मेंटेन करता है, लेकिन उसको ये जो है मॉडरेट और रेगुलेट करता है कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि ये इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है कि इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन होती है उसको कम करना। इंस्पिरेशन यानी जब सांस आप अंदर खींचते हो तो सांस अंदर खींचने की जो वक्फ़ा होता है, जितनी देर में सांस आप अंदर खींचते हो उसको कम करना, ये होता है आपका, ये काम करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये क्यों ज़रूरी है कि सांस अंदर खींचने की मोहलत या ड्यूरेशन को कम किया जाए, इसलिए कि अगर आप ये सेंटर ना होता और सिर्फ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के सहारे पे आप होते तो जो आपका सांस आप बहुत ज़्यादा लंबी खींचते जाते उसको रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती, और जब आप सांस बहुत ज़्यादा लंबी खींचते अपने अंदर तो आपके जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाते और फट जाते। इस चीज़ को रोकने के लिए ये एक सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो सांस को बहुत ज़्यादा खींचने से रोकता है, और एक हद तक ले जाके फिर वहाँ पे जाके सांस अंदर खींचना बंद हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट करता है या मॉडरेट करता है, यानी मॉडरेट करना यानी किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना। तो अगर ये सेंटर नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता तो मैंने जैसे कि अभी बताया है तो आपकी सांस लंबी ज़्यादा खींच जाती, लेकिन इस चीज़ को रोक देता है, उसकी इंटेंसिटी कम करता है,
यानी कम ही सांस अंदर खींचने देता है और फिर सांस अंदर खींचने के अमल को रोक देता है सिग्नल भेज के, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखो कि सिर्फ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता तो सांस ज़्यादा लंबी खींच जाती, और इसके होने की वजह से क्या होता है कि वो सांस खींचने के कमल को एक एक मुकर्रर वक्त पे रोक देता है दिमाग में सिग्नल भेज के कि बस अब ये टाइम हो गया है, अब सांस अंदर खींचने का अमल रुक जाना चाहिए। तीसरा जो सेंटर है, जो ये भी पॉन्स में पाया जाता है, ये है एपनिउस्टिक सेंटर, और इसका एक्शन जो है ये अपोजिट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के, यानी ये प्रमोट्स इंस्पिरेशन, यानी ये सांस अंदर खींचने के अमल को बढ़ाता है। तो ये नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो बढ़ाता है, कि कहीं कहीं जब आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत हो गई तो उस वक्त ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अमल को कैंसिल करता है और इंस्पिरेशन ज़्यादा लंबा कराता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं होता है कि वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। तो ये दोनों सेंटर आपस में एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, और जब जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। तो ये था न्यूरल मैकेनिज़्म। अब दूसरा आता है आपका केमिकल मैकेनिज़्म। तो केमिकल मैकेनिज़्म क्या होता है, जैसे कि न्यूरल मैकेनिज़्म में आप नर्वस सिग्नल से काम करते थे, जो रेस्पिरेटरी सेंटर से थे वो सिग्नल भेज के काम करते थे, उसी तरह से केमिकल मैकेनिज़्म में आपके जो कुछ केमिकल्स होते हैं, ये जिसको जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन लेवल्स हैं, बॉडी इनके लेवल को डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने का मतलब कि बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे जो ये इनको डिटेक्ट करते हैं कि हाँ बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है या ज़्यादा है या बराबर है। तो अब अगर ये इन्होंने डिटेक्ट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये क्या करेंगे, ये सांस लेंगे ज़्यादा, ताकि तेज़ लेंगे सांस, गहरी लेंगे ताकि वो, या फिर जो बाहर से ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा है और फिर सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगी, जो जायद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यही चीज़ होती है, जैसे आप सांस ज़्यादा देर तक आप जब नाक बंद करके रखते हो और नाक और मुंह बंद कर लो, तो आप क्या देखते होगे कि थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तक तो आप बर्दाश्त करते हो 10-15 सेकंड तक बहुत हुआ तो, उसके बाद क्या होता है कि आपको एकदम बेचैनी होने लगती है कि आप अब सांस लो। वो क्यों होता है, वो इसी चीज़ से होता है, क्योंकि तो बॉडी में जब आप सांस रोक लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वो सिग्नल बॉडी के अंदर जो केमो रिसेप्टर्स होते हैं ये महसूस करते हैं कि हाँ भाई बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है, तो वो दिमाग को बार बार सिग्नल भेजते हैं कि हाँ सांस लेने की ज़रूरत है, सांस लेने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से इसलिए आप जितनी देर करते जाते हो, एक वक्त आता है कि आपका हाथ अपने आप अपनी नाक पर से हट जाता है और आप ज़ोर से एक सांस खींचते हो। तो ये काम कौन करता है, ये काम ये केमिकल रिसेप्टर्स करते हैं, ये केमिकल मैकेनिज़म्स होता है, क्योंकि बॉडी में ये डिटेक्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है, अब हमको सांस लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये केमिकल मैकेनिज़म काम करता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि केमिकल मैकेनिज़म में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार पे ज़्यादा अमल होता है बॉडी में, अगर उसकी मिकदार कम ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से सांस का लेना कम ज़्यादा होता है बनिस्बत ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर ये केमिकल मैकेनिज़्म काम करता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लगा होगा, और आपको भी अगर किसी टॉपिक के ख़ास ऐसे मालूमात लेना है, लेकिन अगर वो टॉपिक बहुत लेंदी ना हो तो बेहतर है, अगर पूरा चैप्टर हो तो फिर पूरा चैप्टर के साथ करना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो तो वो बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।